विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। बहुत सदियों पहले कंसावती नदी के किनारे मिथिला नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे हीरासेन और उनकी रानी थी मायावती। महाराज हीरासेन अपने प्रजा के प्रति बहुत ही भावुक थे, लेकिन महारानी मायावती प्रजा से नफरत करती थी। अपने रूप के अहंकार से उनके पांव जमीन पर नहीं ठहरता था, और महाराज की एक कन्या थी पुष्पमाला। जैसे महाराज थे वैसे ही राजकुमारी अपने पिता जैसे भावुक थी, हसमुख थी। सुनो, कल से तुम मेरे साथ राजसभा में बैठोगी। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा अहंकार कहाँ है? ठीक उसी समय आसमान से गुजर रही थी एक नील परी। महारानी की बातें उसके कानों तक पहुंची। सुनकर रूप का अहंकार, धन दौलत का अहंकार ठीक नहीं है महारानी। तुमसे क्या मतलब, जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। इतना अहंकार है तुम्हें तो फिर सुनो मेरी बात। जब कल सुबह तुम्हारी कन्या राजसभा में बैठेगी, तब मैं उसी वक्त उसका एक अमूल्य चीज उससे ले जाऊंगी। माता श्री। पुत्री पुत्री, महामंत्री राजवैद्य को जल्दी बुलाओ। नहीं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे वजह से, आज मेरे अहंकार के वजह से मेरी कन्या का ये हाल है। मुझे माफ कीजिए ईश्वर, मुझे माफ कीजिए ईश्वर। मेरे पाप का सजा मेरी कन्या को मत दीजिए, दया कीजिए। मैं जाऊंगा राजकुमारी को ठीक करने। मुझे जानना होगा ऐसा क्या हुआ है राजकुमारी को। राजकुमारी की हालत एक नीलपरी की वजह से है। मेरी कन्या का हृदय ले गई है। ठीक है महाराज, हम कोशिश करेंगे।
भीतर हिमालय पर्वत के चोटी पर वो नील परी रहती है, लेकिन बच्चा वो पथ बहुत कठिन है। तुम क्या जा पाओगे उस नील परी के पास? मुझे जाना होगा रिसीवर, राजकुमारी को बचाने के लिए मैं चलता हूँ। तुम इतने दूर पहाड़ पे क्या करने आए हो? राजकुमारी का हृदय वापिस लाने जा रहा हूँ। एक भयंकर सांप उस हृदय का रखवाला है, उसे ना मार के तुम उस हृदय को नहीं ले जा सकते हो बेटा, नहीं ले जा सकते हो। कैसे भी करके मुझे राजकुमारी का हृदय मैं वादा किया हूँ ले जाना होगा। जाओ कोशिश करके देखो बेटा, जाओ। वो रहा राजकुमारी का हृदय, कितना बड़ा सांप, क्या करूँ? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, वो हृदय में ले ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे ले जाओगे यहाँ से हृदय, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ हृदय लेके। महाराज मुझे राजकुमारी के पास ले चलिए। हाँ हाँ आइए आइए मेरे साथ आइए। माता श्री कन्या कन्या मेरी। बोलिए महाराज, यहाँ नील परी महारानी के घमंड को तोड़ने के लिए नील परी उनकी पुत्री की हृदय क्यों ले गई? जब किसी के संतान को चोट पहुँचता है तो माता पिता को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए उन्हें तकलीफ दी थी सिर्फ उनका अहंकार तोड़ने के लिए। Oh,